हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज का लेक्चर सिर्फ सीडीएस के बच्चों के लिए है। सीडीएस एंड ओटी जिनका एग्जाम कल है, ये लास्ट मोमेंट है बेटा। डोंट गिव अप, ये मत सोचना कि लास्ट दिन है तो मैं हम लोग आज कुछ नहीं करेंगे। विल टेक रेस्ट बेटा, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। आपने आज भी मेहनत करनी है, तो मैं आज ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ कि आपको कैसे अप्रोच करनी है इस लास्ट डे। ठीक है, कहते हैं ना लास्ट नाइट फाइट, तो वो लास्ट दिन से भी हो सकता है। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा मैथ्स से बेटा। ठीक है, कुछ बेसिक आपको टिप्स पहले मैं दे दूं, ठीक है, जो आप लोगों को मेरे ख्याल से ऑलरेडी मालूम है। मैथ्स में आपको पता है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, अच्छा एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, क्वेश्चन पेपर को स्कैन करो और जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, बच्चे क्या करता है, बच्चे बेसिकली क्वेश्चन पेपर देखा, खोला, पहला क्वेश्चन करना शुरू कर लिया। ऐसा हो सकता है कि शुरुआती कुछ क्वेश्चन टफ हो तो बच्चे का मोरल वहीं डाउन, तो उसने ये ऐसा नहीं करना, पहले स्कैन करे क्वेश्चन पेपर। जो जो सपोज अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन मुझे अगर अच्छे लगते हैं तो मैं टिक मार दूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में करूंगा। तो ऐसे आप पूरा पेपर स्कैन करिए, टिक मारिए जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, उसके बाद 5 से 10 मिनट लगेंगे आपको स्कैन करने में, जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनको मालूम है कि 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले। उसके बाद आप मैदान पे कूदो, क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो। अगर 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे लग रहा है तो सोचो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपका जो फंडा है कहीं ना कहीं गलत जा रहा है या अप्रोच गलत जा रही है, उसके वजह से और क्वेश्चंस का टाइम हैम्पर ना करते हुए सीधे दूसरे क्वेश्चंस में स्विच करो। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और दूसरे क्वेश्चन में स्विच करो डायरेक्टली। ठीक है, मैंने चाहता कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस को छोड़ो, टाइम जो भी कम है, टाइम बेस्ड एग्जाम से बेटा इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मैं ये नहीं चाहता कि आप पहला क्वेश्चन करो तो पहला गोला मारना आपने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट गोला, सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन है तो सी में गोला मार दिया, नहीं ये अप्रोच नहीं। पहले आप ऑप्शंस में टिक मारिए, सपोज अगर ए बी सी डी, सपोज ए का आंसर ए तो मैंने ए में टिक मार दिया। ठीक है, और सपोज सेकंड का आंसर अगर आपका डी है तो मैंने डी में टिक मार दिया। तो क्वेश्चन पेपर में पहले टिक मारो, लास्ट मोमेंट घड़ी ले जाना जरूर, लास्ट हाफ एन आवर छोड़ना अपने लिए गोले भरने के लिए, तो ऐसे में आप टाइम सेव कर सकते हो। उसके साथ मैथ्स के बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा कि लास्ट में आपको कुछ रफ शीट्स देता है, तो डोंट गो फॉर दोज शीट्स। लास्ट में आप करोगे तो क्वेश्चन पेपर पहले और क्वेश्चन पहले और शीट लास्ट में। ठीक है, तो मतलब मैं ये कहूँगा जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है ना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी वाले सेक्शन के ऊपर अपना रफ वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रफ की जरूरत नहीं पड़ती बेटा आपको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके सीरीज में, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश सेक्शन के ऊपर अपना रफ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ मैं आपको टेक्निक्स बताना चाहता हूँ लास्ट मोमेंट में, कि आप मेंसुरेशन के खासकर कुछ फॉर्मूलेस को कैसे आप कोरिलेट कर सकते हो। तो फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देख लो। ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, वही रिविजन करने हैं आपको आज लास्ट दिन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2D और 3D फॉर्मूलेस को मैं कोरिलेट करने वाला हूँ, 2D एंड 3D को जल्दी से बेटा। ठीक है, आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो उसको जल्दी से देखिए। अच्छा, 2D में अगर मेरे पास स्क्वायर है, सपोज इफ आई हैव अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होती है मेरी। ठीक है, सपोज ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट, एरिया इज नथिंग बट साइड इनटू साइड, ए इनटू ए, दैट इज ए स्क्वायर ना। एरिया पेरीमीटर विल बी हाउ मच, पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल द साइड्स, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए विल बी 4a। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है, डायगनल। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे दिस विल बी 90 डिग्री, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका डायगनल कितना आएगा, डायगनल विल बी इज इक्वल टू, ठीक है, आप क्या करोगे, दिस डायगनल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायगनल स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर विल बी रूट 2 अंदर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो ए रूट 2 विल बी इट्स डायगनल। अच्छा, यहाँ से आप 3D के फॉर्मूले को कैसे रिलेट कर सकते हो, बट लास्ट मोमेंट का रिविजन है सिर्फ। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर से बनता है आपका क्यूब, तो क्यूब के कुछ फॉर्मूलेस मैं फटाफट से यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके सामने, ऐसे आप फॉर्मूलेस को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक सरफेस अपने आप में क्या है, स्क्वायर है, हर एक सरफेस अपने आप में स्क्वायर है, तो इसके जितने भी एजेस होंगे सब सेम लेंथ के, ए ए ए। तो बेटा वॉल्यूम आप हमेशा याद रखना, वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस into height, ठीक है, this you should know that volume is equal to area into height. अच्छा, area of base, अगर मैं base की बात करूँ, इस cube की base की बात करूँ, तो ये base है और base अपने आप में क्या है, square है। ठीक है, तो square का area कितना होता है, a square, और height कितनी है बेटा, height भी a ही है ना, सारे dimensions a हैं, तो a square into a will be a cube,
एक्यू विल बी इट्स वॉल्यूम। तो रटना नहीं एक फॉर्मूला, आप रट के जाओ कहीं ना कहीं भूल जाओगे बेटा, रटना नहीं है, लॉजिकली सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसमें अलग अलग सर्फेसिस हैं, देर आर टोटल 6 सर्फेसिस इन क्यूब, तो अगर मैं टोटल सर्फेस एरिया की बात करूँ, एडिंग शॉर्ट टी एस ए, हाउ मेनी सर्फेसिस आर देयर, 6 सर्फेसिस, एक सर्फेस का एरिया, एक सर्फेस अपने आप में स्क्वायर है, एक सर्फेस का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 सर्फेसिस का एरिया 6 ए स्क्वायर, डोंट हैव टू मेक अप एनी फॉर्मूला। अच्छा नेक्स्ट, एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कभी कभी पूछता है आपसे, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना हो जाएगा इसमें, इस केस में आपके, अच्छा चार वॉल्स बेटा, तो आप किसको हटा दोगे, आप फ्लोर और रूफ को हटा दोगे, तो दो आपने सर्फेसेस हटा दिए, तो चार सर्फेसेस बचे, तो 4 ए स्क्वायर। अच्छा डायगनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायगनल इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट पोल विच यू कैन फिट इन दिस क्यूब, दिस, ठीक है, इस डायग्राम में तो छोटा लग रहा है बट दिस इज द लॉन्गेस्ट पोल बेटा, एक एच से दूसरे एच तक आप अगर एक डायगनल रखोगे या एक पोल रखोगे, दैट विल बी नथिंग बट द लॉन्गेस्ट पोल। तो एग्जाम में आपसे पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, सो इन दिस केस डायगनल इज नथिंग बट, कैसे याद कर सकते हो आप, यहाँ पर कितना था ए रूट टू, यहाँ पर तीन डायमेंशन है 3D में, तो ए रूट 3, डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर। इसका एक लॉजिक है, उस पर मैं अभी बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, बट ए रूट 3 याद रखना आप, ये मैं सारे किससे रिलेट कर रहा हूँ, 2D से, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं 2D में इसी तरीके से अगर मैं आऊंगा आपके किसमें, ठीक है, आपके रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल से आप क्या रिलेट कर सकते हो बेटा, रेक्टेंगल से यू कैन रिलेट, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिलेट कैसे कर सकते हो, रेक्टेंगल से आप क्या रिलेट कर सकते हो, उसका मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। रेक्टेंगल से आप क्यूबॉइड को रिलेट कर सकते हो, ठीक है, क्यूबॉइड ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल से आप क्यूबॉइड रिलेट कर सकते हो, फिर आप सर्कल से आप क्या रिलेट कर सकते हो, सिलेंडर, सर्कल से आप सिलेंडर रिलेट कर सकते हो, बहुत इजी है, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक्स जरूरी हैं लास्ट मोमेंट में देखना, ठीक है। उसी तरह फिर सिलेंडर से आपका कोन बनता है और कोन से फिर स्फीयर बनता है, एंड देन फ्रस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो कोन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सारी चीज़ें, आप सारे फॉर्मूले देख लेना, कोन देख लेना, स्फीयर देख लेना और फ्रस्टम जरूर देखना बेटा, रेड से लिख रहा हूँ, फ्रस्टम से क्वेश्चन आने का चांसेस इस बार ज़्यादा है, फ्रस्टम जरूर देखना, बहुत ईजी है ना, एक बार ज़रूर रिवाइज करना फ्रस्टम, ठीक है। फ्रस्टम ऐसे बाल्टी होती है ना जैसे आप लोग घर में यूज़ करते हो, दिस इज फ्रस्टम, ठीक है, ये आपका फ्रस्टम है, ठीक है। तो मैथ्स में मेंसुरेशन में फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी पार्ट आपका यहीं से आना है। उसके अलावा कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ टर्म्स हैं ट्राइंगल्स में, लाइक ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉइड, ये टर्म्स आपको आने चाहिए। हाँ, और सिक्वेंस इन सीरीज से AP, GP, HP जो है अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन आपसे पूछता है, इसमें रिलेशन क्या है, ये भी आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के, इनको आप ये सिर्फ रिविजन के लिए बेटा, ठीक है। तो रिविजन में क्या देखोगे इसके अलावा आप, AM अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये आप देखोगे। इसके अलावा आप लॉगरिथम लॉग को जरूर रिवाइज कर लेना, ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉपर्टीज हैं जरूर देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेना। अच्छा, और जो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं लाइक परसेंटेज अर्थमेटिक के, परसेंटेज एवरेज एंड आपका रेशियो प्रोपोर्शन, तो इनको एज अ टूल्स हम लोग और चैप्टर्स में तो यूज करते ही करते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लोगे बाय द वे, इफ यू रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट वैसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप डिस्काउंट भी पढ़ लेना, ठीक है। और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेटा, ठीक है, क्वेश्चन आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से, ठीक है, तो इसको भी एक बार अच्छे से देख लेना, ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है। और 1% का क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन वाले पार्ट से भी कर लेना, जो हमने अभी देखा वॉल्यूम एंड ऑल, ठीक है। तो आपका परसेंटेज वैसे ही क्लियर हो जाएगा, वैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसका रोल हर जगह है, तो एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कर लेना किसी और चैप्टर का, फॉर एग्जांपल टाइम एंड वर्क भी रिविजन हो जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी रिविजन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपको एक एक क्वेश्चन करना है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 3-4 चैप्टर्स को कवर करते हैं, तो वो आप ऐसे करिए, ठीक है। उसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस, बेटा हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चंस हर बार देखे गए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स हैं, 10 थीटा की सारी वैल्यूज आपको आने चाहिए, ठीक है, 10 थीटा की, व्हाट इज 10 0, व्हाट इज 10 30, व्हाट इज 10 45, व्हाट इज 10 60 एंड व्हाट इज 10 90। मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करा दूँ, ठीक है,
टैन का जो नेचर है ग्राफ का वो क्या है, वो जीरो से इनफाइनाइट तक जाता है, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, लास्ट की वैल्यू 1090 में ये इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1045 वन होती है, तो जीरो और वन के बीच में वन से छोटी वैल्यू आएगी, तो दैट विल बी 1/√3, ठीक है। और वन और इन्फिनिटी के बीच से वन से बड़ी वैल्यू आएगी, दैट विल बी √3, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए टेन थीटा की वैल्यू जानना जरूरी है, कुछ फॉर्मुलेज ट्रिग्नोमेट्री के जाने जरूरी है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपने क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं एक एक क्वेश्चन सारे चैप्टर से कर लो, और कुछ कॉमन चैप्टर से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला बेटा मैथ्स में, ठीक है। चलो इंग्लिश में आते हैं, ओके। अब इंग्लिश में क्या करेंगे सीरियस के बच्चे, इंग्लिश में बेटा याद रखना कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए खास कर है जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, नोट्स प्रॉपर बना रखे हैं। तो इंग्लिश में शुरू से रिविजन करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी देख लेना, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। बेसिक कुछ स्पॉटिंग एरर्स काइंड ऑफ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो टेंसेस को रिवाइज कर लेना, टेंसेस वाला मेरा वीडियो है 1 घंटे का देख लेना, एक्टिव पैसिव भी कवर जाएगा, एक्टिव पैसिव भी कवर जाएगा, क्योंकि अब सीडीएस में सब्जेक्टिव एक्टिव पैसिव भी बच्चों से पूछा जा रहा है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है, टेंसेस का ही पार्ट है, तो कोई अच्छी बुक फॉलो करो, ठीक है, रेविन मार्टिन यू कैन फॉलो, और उसमें एक बार देख लेना, क्योंकि आजकल बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे देख लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। और कोई अच्छी बुक अगर आप फॉलो करो तो इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेना, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। जो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला, नाउन प्रोनाउन देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर जाएंगी ऑटोमेटिकली, स्पॉटिंग एरर्स एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके जंबल जो आपको सेंटेंस अरेंज करना पड़ता है, ठीक है, वो आपके अब पूरी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए कुछ एडिशनल मत देखना लास्ट मोमेंट में, ठीक है। हाँ, वोकैबुलरी एक बार रिविजन जरूर कर लेना, वोकैबुलरी लास्ट मोमेंट में रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि अगर पैसेज में, पैसेज वाला पार्ट सबसे ईजी होता है लेकिन बच्चों को टफ लगता है, वो लोग लास्ट में करते हैं। याद रखना छोटे छोटे पैसेज आते हैं आपके एग्जाम में 4 से 5, अगर उसमें 2-3 वोकैबुलरी भी टफ आ जाए ना, तो आपको पूरा पैसेज समझ में नहीं आएगा। तो जितने भी वोकैबुलरीज आपने प्रिपेयर करी है उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इतना इंग्लिश का है, बस इतना आपके लिए काफी होगा। उसके बाद अगर मैं जीएस में आऊँ, ठीक है, लास्ट मोमेंट में अगर आप जीएस देखोगे तो कैसे देखोगे? अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। ज्योग्राफी में जो आपको करना है वो मैं बता रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी देख लेना, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज अच्छे से कर लेना, जिसमें फिजिकल है, इंडिया को पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक बेटा फिजिकली अच्छे से देखना है, जिसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस हैं, माउंटेन पासेस जरूर देख लेना, बड़े स्ट्रैटेजिक हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो माउंटेन पासेस देखना, ये बॉर्डर वाले एरियाज में बहुत सारे पासेस हैं हमारे, माउंटेन पासेस से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में फिजिकल ये हो गया, उसके बाद क्लाइमेट से रिलेटेड है, ठीक है, क्लाइमेट देख लेना एक बार, और उसके बाद एक बार एटलस भी देख लेना, क्योंकि एटलस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, इंडिया को रेफरेंस लेते हुए, और करंट अफेयर्स को लिंक करना बेटा। करंट अफेयर्स अगर आपने प्रिपेयर किए हैं तो आप करंट अफेयर्स को जरूर लिंक करना, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में, जीएस में, पूरे जीएस में, पॉलिटी में भी, आपका हिस्ट्री में भी, ठीक है, और ज्योग्राफी में भी, ठीक है, करंट अफेयर्स लिंक क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आप टाइम जोन जरूर देख लेना, टाइम जोन से एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा टाइम निकालने वाला, वो आप जरूर देख लेना। तो इंडियन ज्योग्राफी करोगे तो इट विल बी इनफ, अगर टाइम मिले तो एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी रिवीजन मान लेना, तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बस, दैट्स इनफ। हिस्ट्री, ठीक है, अच्छा हिस्ट्री में बच्चे बोलेंगे सर हिस्ट्री तो बहुत ह्यूज है, तो छोड़ो ना, एंशियंट छोड़ो, एंशियंट देखो भी मत, मेडिवल भी मत देखो, मैं तो कहता हूँ मेडिवल भी मत देखो। क्या देखना है सर, फिर क्या देखें, क्या देखें, मॉडर्न हिस्ट्री देखो, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री देखो। मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्या, मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी एरा, ठीक है, गांधी एरा देखो, गांधी एरा से हमारी आजादी तक का देखो, ठीक है, गांधी एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चंस इसी से मैक्सिमम आते हैं, और अगर 3-4 क्वेश्चंस एंशियंट और मेडिवल से आ भी गए तो छोड़ो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो 3-4 क्वेश्चंस, आपको कौन सा फुल में से फुल नंबर लाने हैं, ठीक है, कट ऑफ क्वालिफाई होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो डोंट गो फॉर एंशियंट, मैं इसको काटता हूँ, डोंट गो फॉर एंशियंट एंड डोंट गो फॉर मेडिवल, ठीक है। अब पॉलिटी है, पॉलिटी बच्चे कहेंगे सर पॉलिटी कैसे करें, पॉलिटी इज अगेन ह्यूज, देख लेना अपने लेवल पे जो भी आपने नोट्स बनाए रिवाइज कर लेना, लेकिन करंट अफेयर्स को टच करते हुए पॉलिटी के कुछ रूल्स देख लेना करंट अफेयर्स को टच करते हुए, ठीक है। जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं,
प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कैसे होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं, एमपीस के एमएलएस के इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, हमारी गवर्नमेंट के क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो करंट अफेयर्स देख के आप लोग पॉलिटी कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर लिंक पॉलिटी देखनी है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप पॉलिटी के नोट्स खोल लो और या बुक खोल लो लक्ष्मीकांत और करना शुरू कर लो, ऐसे नहीं करना आपने। करंट अफेयर्स पढ़ो पहले, करंट अफेयर्स से लिंक करो, अच्छा ये न्यूज़ आई है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो बेटा लास्ट में करंट अफेयर्स एक बार देख लेना, ठीक है, करंट अफेयर्स देखना जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी बेस्ड, अलग से इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमी से, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, अब जितने बच्चों ने पढ़ाई करी है इनको नर्वस होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है तो नर्वस बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई करी है उनको नर्वस नहीं होना बेटा, नर्वसनेस आपकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं खराब करने वाली है। तो आपने जितना भी पढ़ा है कोई बात नहीं, एकदम बिंदास जाइए वहाँ पर, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज आपकी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आंसर्स आपको आते हैं उसको आप टिक मार लेना और लास्ट में आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे, ठीक है, और अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शंस देख लेना। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग आल्सो, याद रखना। तो आपने ऐसा नहीं कि सारे टुक्के मार के अटेम्प्ट, पहले जितने आते हैं वो कर लो, ठीक है, फिर देख लेना हिसाब से, अगर कहीं पर दो ऑप्शन में अगर आपको कन्फ्यूजन है, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन भी आपको आना चाहिए, दो क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन है तो आप वहां पर आप 50% चांस ले सकते हो, लेकिन अगर आपको चारों के चारों ऑप्शन में डाउट है, नहीं आता आपको, तो देन डोंट टेक चांस, ऐसे नहीं कि आप किसी में भी आप ओएमआर शीट में बबल फिल कर लो, ठीक है। और बेटा अगर सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं तुरंत रिप्लाई, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट आप लोगों को, सभी लोगों को, सीडीएस वालों के लिए ऑल द बेस्ट।